एक शांत घाटी में बसा हुआ, जहां नदी एक सतत लोरी गाती थी और पहाड़ियां प्राचीन प्रहरी की तरह पहरा देती थी, नंदीपुर का सुरम्य गांव बसा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीमा लगता था, जिससे ग्रामीणों को जीवन की सादगी का आनंद लेने का मौका मिलता था। इन ग्रामीणों में रूही नाम की एक युवा लड़की थी, जिसके नाम का स्थानीय बोली में अर्थ आत्मा था, और अपने नाम के अनुरूप रूही नंदीपुर की आत्मा थी। रूही अपनी असीम जिज्ञासा और संक्रामक हंसी के लिए जानी जाती थी। उसके दिन जंगलों में घूमने, खेतों में अपने माता पिता की मदद करने और नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बीते थे। उसकी गहरी भूरी आंखें एक ऐसी रोशनी से चमक रही थी जो गांव की सुंदरता और मासूमियत के सार को कैद कर रही थी। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता था, गांव पर सुनहरी चमक बिखेरता था। रूही नदी के किनारे बैठती थी, जो उसकी पसंदीदा जगह थी। वह पानी की फुसफुसाहटें सुनती थी। उसे यकीन था कि इसमें दूर देशों के रहस्य छुपे हुए हैं। कभी कभी वह कोई धुन गुनगुनाती थी। उसकी आवाज़ प्रकृति की आवाज़ के साथ मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बनाती थी जिसे केवल वह ही सुन सकती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब गांव रात के लिए तैयार हो रहा था, रूही की जिज्ञासा ने उसे जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई तक जाने के लिए प्रेरित किया। वह धुंधलके में जुगनुओं को नाचते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उनकी छोटी छोटी रोशनियां ऐसे टिमटिमा रही थी जैसे तारे धरती पर आ रहे हों। अपने जादू में वह और भी भटक गई। उसकी इंद्रियां उस क्षण के जादू में खो गईं। जैसे ही दिन की आखिरी किरण फीकी पड़ी, रूही को एहसास हुआ कि वह अपनी इच्छा से कहीं अधिक गहराई में जंगल में थी। वह वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन खुद को अस्तव्यस्त पाया। ऐसा लग रहा था कि परिचित रास्ते गायब हो गए हैं और गांव की आरामदायक आवाज़ों की जगह जंगल की भयानक खामोशी ने ले ली है। दहशत फैलनी शुरू हो गई, लेकिन रूही ने एक दृढ़ संकल्प के साथ इसका मुकाबला किया जिसने उसके वर्षों को झुठला दिया। वह जंगल को अच्छी तरह से जानती थी, जीवन भर इसके किनारों पर खिलती रही थी। वह एक परिचित मील का पत्थर खोजने की उम्मीद में चलना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसका डर और भी मजबूत होता गया। परछाइयां भूतिया हाथों की तरह फैली हुई लग रही थी और पत्तों की हर सरसराहट उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर रही थी। गांव में रूही के माता पिता राज और मीरा चिंतित हो रहे थे। रूही को अंधेरा होने के बाद बाहर रहना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे पुकारा, उनकी आवाजें शांत रात में गूंज रही थीं। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो ग्रामीण हाथ में मशालें लेकर जंगल में तलाश करने के लिए एकत्र हुए। उनकी चीख पुकार से रात भर गूंजती रही, लेकिन रूही का कोई पता नहीं चला। घंटे दिन में बदल गए और आशा कम होने लगी। राज और मीरा का दिल टूट गया। रूही के गायब होने से उनकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। गांव, जो आमतौर पर गतिविधियों से गुलजार रहता था, अब शांत हो गया था। हंसीमजाक और बकबक की जगह दुअक और अटकलों की फुसफुसाहट ने ले ली थी। गांव वालों को बताए बिना रूही जंगल के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच गई थी जिसके अस्तित्व के बारे में नंदीपुर में कोई नहीं जानता था। यह जादू और रहस्य का स्थान था जो उन लोगों की नज़रों से छिपा हुआ था जो कल्पना में विश्वास नहीं करते थे। जैसे ही रूही भटकी, उसने खुद को एक अलौकिक रोशनी में नहाए हुए स्थान पर पाया। यहाँ के पेड़ एक कोमल आंतरिक चमक से चमकते प्रतीत होते थे और हवा उन फूलों की खुशबू से भरी हुई थी जो इस दुनिया से संबंधित नहीं थे। रूही समाशोधन के केंद्र में एक विशाल पेड़ की ओर खींची गई थी। उसकी छाल चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी शाखाएं स्वागत करने वाली भुजाओं की तरह फैली हुई थीं। जैसे ही वह पास आई, उसने एक धीमी मधुर आवाज़ सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। यह आवाज़ पेड़ से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। आपका स्वागत है, रूही, आवाज़ ने कहा। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। रूही डरी नहीं, इसके बजाय उसे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। वह जानती थी कि वह जादू की जगह पर है और उसकी सहज जिज्ञासा हावी हो गई। आप कौन हैं? उसने पूछा। पेड़ ने उत्तर दिया, मैं मंत्रमुग्ध वन का संरक्षक हूँ। यह जगह आपकी दुनिया और जादू की दुनिया के बीच मौजूद है। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम खास हो, रूही। आपके पास एक सपने देखने वाले का दिल और एक साहसी की आत्मा है।
रूही आश्चर्यचकित होकर सुन रही थी जब गार्जियन ने बताया कि उसे मानव दुनिया और जादुई क्षेत्र के बीच संतुलन बहाल करने में मदद करने के लिए चुना गया था। दोनों दुनियाएं एक समय सौहार्दपूर्ण ढंग से अस्तित्व में थीं, लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों का जादू में विश्वास कम होता गया, संबंध कमजोर होते गए। द गार्जियन को चाहिए था कि रूही दुनिया के बीच के बंधन को फिर से जगाने के लिए एक यात्रा शुरू करे। जैसे ही रूही ने अपनी भूमिका स्वीकार की, उसके आसपास का जंगल जीवंत हो उठा। छाया से रहस्यमय जीव उभरने लगे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक अद्भुत था। वहां पंखों वाली परियां थीं जो ओस में डूबे मकड़ी के जालों की तरह चमकती थीं, आंखों में ज्ञान लिए बात करने वाले जानवर थे, और जंगल की आत्माएं थीं जो हवा में फुसफुसाहट की तरह चलती थीं। रूही की दोस्ती लियोरा नाम की एक छोटी शरारती प्रेत से हुई जो उसकी मार्गदर्शक बन गई। लियोरा का व्यक्तित्व तेजस्वी और दिल सोने का था। उसने रूही को मंत्रमुग्ध वन के चमत्कार दिखाए, उसे उसके निवासियों से परिचित कराया और उसे उस नाजुक संतुलन के बारे में सिखाया जो दोनों दुनियाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। एक दिन जब वे एक क्रिस्टल स्पष्ट धारा से गुजर रहे थे, लियोरा ने रूही को सपनों के पेड़ के बारे में बताया, एक पौराणिक पेड़ जिसके फूल मानव और जादुई क्षेत्रों को जोड़ने की शक्ति रखते थे। सपनों का पेड़ जंगल के बीचों बीच स्थित है, लियोरा ने समझाया, लेकिन यह सदियों से सुप्त पड़ा हुआ है। इसे जगाने के लिए आपको मंत्रमुग्धता की तीन खोई हुई चाबियां ढूंढनी होंगी। रूही चाबियां ढूंढने और संतुलन बहाल करने के लिए दृढ़ थी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन लियोरा के साथ होने पर उसे लगा कि वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। रूही की यात्रा ग्रोटो ऑफ हिस्पर्स की यात्रा के साथ शुरू हुई, एक गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पहली चाबी होती है। प्रवेश द्वार एक झरने के पीछे छिपा हुआ था, और जैसे जैसे रूही और लियोरा पास आए, पानी की आवाज तेज हो गई, लगभग मानो वह उनसे बात कर रही हो। ग्रोटो के अंदर दीवारें क्रिस्टल से सजी हुई थीं जो धीरे धीरे चमक रही थीं, जिससे हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा फुसफुसाहट की आवाज से भर गई, मानो गुफा स्वयं जीवित हो। लियोरा ने बताया कि फुसफुसाहटें प्राचीन आत्माओं की आवाजें थीं जो उन लोगों का मार्गदर्शन करती थीं जो दिल के शुद्ध थे। फुसफुसाहटों के बाद रूही ने खुद को झिलमिलाते पानी के तालाब में पाया। इसके केंद्र में पत्थर के एक आसन पर पहली चाबी, एक नाजुक चांदी की पत्ती रखी हुई थी। जैसे ही वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ी, फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जिससे एक स्पष्ट आवाज बन गई। आवाज ने कहा, केवल बहादुर ही चाबी का दावा कर सकते हैं। क्या तुम अपने डर का सामना करने को तैयार हो, रूही? रूही ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसे हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके चारों ओर की गुफा बदल गई। वह अब कुटी में नहीं बल्कि एक अंधेरी, अपरिचित जगह में थी। उसके चारों ओर परछाइयां मंडरा रही थी और हवा में दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ था। रूही ने एक गहरी सांस ली, उस साहस को याद करते हुए जो उसने पहली बार जंगल में प्रवेश करते समय पाया था। वह आगे बढ़ी, उसके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे। प्रत्येक कदम के साथ परछाइयां पीछे हटने लगती थीं और रोशनी तेज हो जाती थी। आखिरकार उसने खुद को वापस पुल पर पाया, चाबी उसकी मुट्ठी में थी। जैसे ही उसने चाबी ली, फुसफुसाहट अनुमोदन के स्वर में बदल गई और गुफा अपनी शांत स्थिति में लौट आई। लियोरा उस पर मुस्कुराई। तुमने यह किया, रूही। आपने अपने डर का सामना किया और अपनी बहादुरी साबित की। दूसरी कुंजी भ्रम के मैदान में छिपी हुई थी, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिखता था। पलक झपकते ही फूलों ने रंग बदल लिया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूही और लियोरा को भ्रम की भूल भुलैया से गुजरना पड़ा, प्रत्येक पिछले से भी अधिक चकित करने वाला था। घास के मैदान के मध्य में एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की मूर्ति खड़ी थी, उसकी आंखें एक ज्ञानी रोशनी से चमक रही थीं। लियोरा ने बताया कि दूसरी चाबी मूर्ति के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन उसे वापस पाने के लिए रूही को एक पहेली सुलझानी पड़ी। प्रतिमा बोली, उसकी आवाज गहरी और गूंजती थी, मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कानों के सुनता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूं। मैं कौन हूं? रूही ने एक पल के लिए सोचा, उसे अपनी मां द्वारा सिखाई गई सीख याद आ गई।
जवाब आते ही वह मुस्कुरा दी। एक प्रतिध्वनि, उसने आत्मविश्वास से कहा। उल्लू की आंखें चमक उठीं और मूर्ति खुल गई और उसमें एक सुनहरा पंख, दूसरी चाबी दिखाई दी। रूही ने इसे विजय की भावना के साथ लिया। वह अपने लक्ष्य के एक कदम करीब थी। अंतिम कुंजी सबसे मायावी थी। ऐसा कहा जाता था कि यह छाया के हृदय में छिपा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। लियोरा ने रूही को चेतावनी दी कि यात्रा का यह हिस्सा उसकी उन तरीकों से परीक्षा लेगा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती। जैसे ही उन्होंने छाया के हृदय में प्रवेश किया, रूही को अत्यधिक भय का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उस पर हावी हो रहा था और उसके साहस का दम घोंट रहा था। लेकिन उसे गार्जियन की बातें याद रहीं और वह आगे बढ़ती रही। छाया के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक दर्पण मिला जो उनकी छवियों को नहीं बल्कि उनके अंतरतम भय को प्रतिबिंबित करता था। चाबी वापस पाने के लिए रूही को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अपने परिवार को खोने का डर। दर्पण ने उसके माता पिता को खोए हुए और दुखी दिखाया, उनके चेहरे पर दुख के निशान थे। रूही का दिल दुखा, लेकिन वह जानती थी कि उसे इस डर पर काबू पाना होगा। उसने हाथ बढ़ाया और शीशे को छुआ, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, वह फुसफुसाकर बोली। मैं वापसी का रास्ता खोज लूंगा। जैसे ही वह बोली, दर्पण टूट गया, तीसरी कुंजी, एक क्रिस्टल आंसू प्रकट हुई। रूही ने राहत और उपलब्धि की भावना महसूस करते हुए इसे ले लिया। उसने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया और विजयी हुई। हाथ में तीन चाबियां लेकर रूही और लियोरा सपनों के पेड़ की ओर बढ़े। पेड़ ऊंचा और राजसी खड़ा था, उसकी शाखाएं किसी अभिभावक के आलिंगन की तरह फैली हुई थीं। लेकिन इसके फूल बंद थे, उन्हें जगाने के लिए चाबियों का इंतजार कर रहे थे। रूही पेड़ के पास पहुंची और उसके आधार पर चांदी का पत्ता, सुनहरा पंख और क्रिस्टल का टुकड़ा रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ तेज रोशनी से जगमगाने लगा। फूल धीरे धीरे खिले, जिससे झिलमिलाती पंखुड़ियों का झरना निकला जिसने हवा को जादुई खुशबू से भर दिया। अभिभावक की आवाज समाशोधन के माध्यम से गूंज उठी। तुमने अच्छा किया रूही। मानव संसार और जादुई क्षेत्र के बीच संतुलन बहाल हो गया है। सपनों का पेड़ एक बार फिर दोनों दुनियाओं को जोड़ेगा, जो विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए आशा और आश्चर्य लाएगा। रूही को खुशी और गर्व की अनुभूति हुई। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और अपना भाग्य पूरा कर लिया था। लेकिन उसे दुख की एक पीड़ा भी महसूस हुई, यह जानकर कि मंत्रमुग्ध वन में उसका समय समाप्त हो रहा था। गार्जियन रूही के सामने प्रकट हुआ, जो प्रकाश और गर्मी की एक दीप्तिमान आकृति थी। गार्जियन ने कहा, यह तुम्हारे लिए अपनी दुनिया में लौटने का समय है रूही, लेकिन याद रखें, मुग्ध वन का जादू हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके पास एक सपने देखने वाले का दिल और एक साहसी की आत्मा है, उसे कभी मत खोना। गार्जियन के हाथ हिलाने से रूही को लगा कि वह हवा में उठ गई है। उसके चारों ओर का जंगल खत्म होने लगा और उसने खुद को गांव के किनारे पर खड़ा पाया, जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी। उसके माता पिता वहां थे, जंगल में खोज रहे थे, जैसे वे उसके लापता होने के बाद से हर दिन करते थे। जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे खुशी और राहत से चमक उठे। वे खुशी के आंसुओं के साथ उसे गले लगाते हुए उसके पास दौड़े। रूही, हमने सोचा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, उसकी माँ उसे कसकर पकड़कर रो पड़ी। मैं यहाँ हूँ माँ, रूही ने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। मैं यहाँ हूँ। रूही की वापसी पर गांव में खुशी मनाई गई। वातावरण हंसी और संगीत से भर गया और ग्रामीणों ने रात तक जश्न मनाया। रूही ने उनके साथ अपनी कहानी साझा की, मंत्रमुग्ध वन और उन जादुई प्राणियों के बारे में बात की जिनसे वह मिली थी। हालांकि कुछ लोग सशंकित थे, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य और उसकी आवाज में ईमानदारी ने उन्हें एक बार फिर जादू पर विश्वास कर दिया। रूही की वापसी गांव में एक नया सवेरा लेकर आई। मंत्रमुग्ध वन की उनकी कहानियों ने ग्रामीणों के दिलों को आशा और आश्चर्य से भर दिया। वे अपने आसपास की दुनिया को नई आंखों से देखने लगे, रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता और जादू की सराहना करने लगे। रूही खुद ही बदल गई थी।
वह अभी भी वही प्रसन्नचित्त जिज्ञासु लड़की थी जो हमेशा से थी, लेकिन वह समझदार और अधिक साहसी भी थी। वह जानती थी कि मंत्रमुग्ध वन का जादू उसके भीतर था और वह जो कुछ भी करती थी उसमें उसे अपने साथ रखती थी। उसने अपने दिन अपने माता पिता की मदद करने, अपने दोस्तों के साथ खेलने और नए रोमांच की भावना के साथ जंगल की खोज में बिताए, और हर शाम वह नदी के किनारे बैठती, उसकी फुसफुसाहट सुनती और नए रोमांच के सपने देखती। रूही की कहानी नंदीपुर में एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसने ग्रामीणों को याद दिलाया कि सबसे अंधेरे समय में भी जादू पाया जा सकता है, और कभी कभी वास्तव में स्वयं को खोजने के लिए खो जाना पड़ता है। रूही की यात्रा साहस, जिज्ञासा और असंभव में विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। इससे पता चला कि अगर हमारे पास सपने देखने का दिल हो और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति हो तो हम में से सबसे छोटा व्यक्ति भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। और इसलिए रूही की मनमोहक कहानी आशा और आश्चर्य की किरण बनी रही, जिसने भी इसे सुनने वाले सभी को उस जादू पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जो हम सभी के भीतर छिपा है।